गुड मॉर्निंग क्लास 7, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, शुगर एंड स्पाइस। इसकी हमने रीडिंग जो है वो कर ली हुई है। आज हम इसका वोकैबुलरी पोर्शन करेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 89 है हमारा, और हम फर्स्ट पोर्शन करेंगे पहले। यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प यू राइट डाउन व्हाट दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट मीन। हम इन वर्ड्स को, हमने इन वर्ड्स को जो है पीछे चैप्टर में पढ़ा है, तो हम इनको देखेंगे कि क्या मीनिंग जो है ये शो करते हैं। सेल्स फिनोमेनन बोलते हैं बेचने का मजहर या बेचने के अमल को बोलते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंस बोलते हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस होती है जो ख़रीदने वाले की तरजीहात के हैं। ट्रेंड स्पॉटर बोलते हैं ऐसी चीज़ जो कि मतलब ट्रेंड सेट करी हो, वो ट्रेंड स्पॉटर हो उस वक्त की। मार्केट सेक्टर, जो मार्केट सेक्टर है, जो मार्केट सेक्टर, जो मार्केट जगह है वो उसके बारे में है। लाइफस्टाइल इंपोर्ट करने का मतलब होगा कि ज़िंदगी में जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें कुछ कुछ लेकर आना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था लाइफस्टाइल इंपोर्ट ओबेसिटी, मतलब अमेरिकन जो थे वो डोनट खा कर अपने तर्ज ज़िंदगी में मोटापे को लेकर आ रहे थे। और डाइटेटियन बोलते हैं, डाइटिशंस को बोलते हैं ये जो माहिर जो होते हैं, माहिर सेहत जो होते हैं खुराक के बारे में, ठीक है। और न्यूट्रिशनल बेनिफिट बोलते हैं ग़ज़ाई अफादियत को, यानी ऐसे ऐसी ग़ज़ा जिसमें ऐसे न्यूट्रंस हों जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हों, बेनिफिशियल हों, जो आपको बेनिफिट दें, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिशनल बेनिफिट। पार्ट टू में अगर हम देखें तो ये कंटेम्प्रेरी इंग्लिश के इडियम्स और एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल द गैप्स विद द अप्रोप्रिएट आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस व्हिच आर यूज्ड इन दिस टेक्स्ट, सेलेक्ट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमारे पास जो है वो कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं। टक्स इन टू इन, अ बिग हेड, वैक्यूम सील, वेलकम विद ओपन आर्म्स, नॉटी ट्रीज, वेरी मोरिश, बकिंग द ट्रेंड। अब आगे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमने इनको इन वर्ड्स के साथ वर्ड को रखते हुए यूज़ करना है, ओके। ग्रेजुअली मोर एरियाज ऑफ आर कम्युनिटी आर बिकमिंग नो स्मोकिंग एरियाज, इन अलाउंग स्मोकिंग द सिनेमा इज बकिंग द ट्रेंड। दीज चॉकलेट्स आर वेरी मोरिश, आई जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग दैम इवन दो आई नो आई एम ब्रेकिंग माई डाइट। As I told you, मॉरिश बोलते हैं टेम्पटेटिंग, ऐसी खाने वाली चीज़ जो बहुत टेम्पटेटिंग हो, बहुत दिल को अच्छी लगती हो। इसी तरह वी वर डिलाइट वेन द प्रपोजल दैट अ स्पोर्ट्स स्टेडियम शुड बी बिल्ड इन आर टाउन वॉज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स। एमरॉल्ड इज इन दी इज द इन कलर दिस ईयर, इन यहाँ पर फैशनेबल वाला है। If you want to be fashionable, you will have to wear it. The way Masood tucks into all those snacks, I am not surprised he is overweight. The appearance of the Elvis Presley look alike at the concert was a big hit. The audience loved him. जो Elvis Presley है, जो उसका जो हुलिया था वो कॉन्सर्ट में बहुत बिग हिट था, ठीक है। ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया था। इट्स नॉट ईजी स्टिकिंग टू माई डाइट, आई डोंट काउंट बनानास एज नॉटी ट्रीट। स्पेलिंग इस ब्लैंक में नॉटी ट्रीट्स आएगा, नॉटी ट्रीट। इट्स नॉट एज दो दे आर डोनट्स एंड चॉकलेट। द लास्ट वन वी हैव द वैक्यूम सील्स ऑन दीज पैक्स ऑफ कॉफी आर ग्रेट आइडिया, दे कीप द कॉफी ब्यूटिफुली फ्रेश। जो कॉफ़ी सील्स, जो कॉफ़ी पैक्स या पैकेट्स हैं उसमें हम वैक्यूम सील्स रखें तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया है। इससे कॉफ़ी क्या रहती है, तरोताज़ा रहती है, फ्रेश रहती है। ओके क्लास, आपने इन वर्ड्स को जो है उनके मीनिंग्स लिखने हैं, और जो फिलिंग द ब्लैंक वाला पोर्शन है आपने इसको भी फिल करना है अपनी बुक्स के ऊपर। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।